निर्देश समिति के द्वारा प्राप्त हुआ करुण रस और गुजरिया। आप श्री रामचरितमानस से करुण रस सुनेंगे। बात एक समय की, जब भैया लखन के हाथों मेघनाथ का वध हो जाता है। आज देखिए मेघनाथ की भुजा कटकर सुलोचना के आंगन में जा गिरी पड़ती है। आज देखिए सुलोचना अपने स्वामी अपने दीननाथ की इस भुजा को देखती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि ये मेरे पति की भुजा है, क्योंकि मेरे दीननाथ मेरे स्वामी ने तो मुझसे वादा किया था कि हे अर्धांगिनी, मैं जल्द ही विजय प्राप्त करके लौटूंगा। आज सुलोचना उस भुजा से कहती है कि हे भुजा, तुम यदि मेरे पति की भुजा हो तो अपना सारा वृतांत लिखकर बताओ। आज वो भुजा अपना सारा वृतांत लिखकर बताती है कि मैं आपका स्वामी आपका पति मेघनाथ ही हूँ। आज इतनी बात सुनती सुलोचना अपनी सुध-बुध खो बैठती, रुदन मचाती और कहती है, मेघनाथ को मार दिया देखो तो। खबर लगी सुलोचना को रोती अश्वाधार, मुझको अकेली छोड़ गई आज मेरे भरता। आज देखिए सती सुलोचना रोती ही बिलखती ही विलाप करती और क्या कहती है, अरे मुझे यूं अकेला तेरा छोड़ी जाना, और हे नाथ नाथ ये कैसा तेरा दूर जाना। और आज कहती है वो सब झूठे हैं यहाँ तो मेरा नहीं है कोई, और नाथ बिना अब ये आके रोई। और आज कहती है अरे जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, हे स्वामी तुमने मुझसे वादा किया था कि जल्दी ही लौट आऊंगा, परंतु वो वादा कहाँ गया। और आज विलाप करती कहती है अरे जाने वाले मुझको ये बताया क्यों नहीं, अरे आऊंगा ये बोल कर तू आया क्यों नहीं। गाई बोल कर तू आया क्यों नहीं।
मधु यादव जी दांगवा आपके करकमलों से 21 रुपए का आशीर्वाद एवं सुनील यादव जी बाकुड़ वाले आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ओ मुझे यूं के ना तेरा छोड़ जाना सब झूठे हैं यहाँ तो क्या रे? मेरा नहीं है कोई और नाथ बिना भी आंखें है रोई हो जाने वाले मुझको ये बताया जो नहीं आऊंगा ये बोल कर तू आया क्यों नहीं सुलोचना विलाप करती ही रोती ही बिलखती और कहती है अरे वो मन कहाँ से लाऊं हे स्वामी आप मुझे बीच मझधार में अकेली छोड़कर चली गए हो आपके बिन मेरा कोई नहीं है और क्या कहती है अरे वो मन कहाँ से तेरी याद जो भुलाए और कहती है अरे वो मन तेरी याद जो द्वार पर जाती है शिकायत करती है कहती है समय समाप्त हुआ मंडल का 10